की सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें माँ पार्वती के 64 योगनियां, माँ पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में, जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर, केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जल धार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पड़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यह प्रयोग करें, और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें, और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। एक बहुत सुंदर है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, क्या पड़ जाए सोमवार की? जम के बोलो जरा, अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। प्रयास करना, कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का, थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्ते से एक एक बूंद अगर दूध, आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की, जम के बोलो, शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है, या मंदिर में शिवलिंग है, या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद, एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय,
या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना, और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना, भगवान शंकर को समर्पित करना देसी गाय का दूध, धीरे 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 समर्पित करना, भाव के साथ अब समर्पित करना। ए गला पकड़ रहा है बाबू, देसी गाय का दूध एक एक बूंद समर्पित कर, धीरे धीरे समर्पित कर। और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ते से आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे बेलपत्री, वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहां से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहां पर होना चाहिए। कार्य में सफलता मिलती है। शिव तत्व को धारण, काया के रोग से मुक्त। एक बात और आपसे कहेंगे, उतारिएगा, जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर वापस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है, और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज्यादा नहीं। धीरे धीरे चमड़ी, परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर बनाना है, उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चढ़ा दो। उसको लिया फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो, उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के लिए अवश्य। सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए, और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाए। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है महाराज, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी, शिव और आदि शक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी, भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना। पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया। पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता है क्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता है। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाइए। शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। श्री फल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण, बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल और बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए, और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो
कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, तीन चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जा, उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। अब उससे निवेदन करेंगे प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्या बाई, साधारण सा भाव, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि आदि जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ, नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अतिदेव महादेव देता है। जिस व्यक्ति को माइग्रेन की बीमारी होती है आधा सिर दुखता ही रहता है, उसको एक ही काम करना चाहिए, शिव मंदिर में भगवान शंकर को 7 लौंग समर्पित कर देना चाहिए सोमवार की अष्टमी के लिए। कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन 7 या 5 लोग शंकर भगवान को समर्पित कर दें। किस जगह पर समर्पित करना है? जहां शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी का स्थान, आपको बताया अपना कथा में, जहां पर शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं उसमें सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का जहां स्थान है उस जगह पर लोंग समर्पित कर दें और उस लोंग को उठा कर लिया, एक एक कर लोगों को सुबह के समय बिना मुंह धोए दरवाजे की देहली पर या शंकर मंदिर की देहली पर बिना मुंह धोए बिना स्नान के उसको चबा चबा कर खा लेना, एक एक लोगों को एक दिन, आज एक खाली कल दूसरे दिन खाली तीसरे दिन खाली सुबह। महाराज जिंदगी में कभी सिर दर्द नहीं।